आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। सो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरी आज की वीडियो में। अगर आप सभी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सबके लिए इस चैनल पे बहुत सारे आर्टवर्क लेकर आती हूँ और साथ ही साथ प्यारे प्यारे ब्लॉग्स भी लेकर आती हूँ। तो बढ़ते हैं हम अपनी आज की वीडियो की तरफ। काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं और कमेंट्स भी मैंने पढ़े, तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा कि हम परफेक्ट पोर्ट्रेट कैसे बना सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप सभी को यही बताऊंगी कि परफेक्ट पोर्ट्रेट हम आसानी से कैसे बना सकते हैं। एंड ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ओके, तो मैं पर्सनली जो सबसे ज़्यादा ऐप यूज़ करती हूँ अपने सभी आर्ट और पेंटिंग्स के लिए, उस ऐप का नाम है ग्रेट पेपर। तो आप सभी इसे अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। सो मैं आप सभी को इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि इसे कैसे डाउनलोड करना है और हम इसे कैसे यूज़ करते हैं। आगे मैं आप सभी को इसका ड्रो भी करके दिखाऊंगी कि इसे हम ग्रेट में कैसे ड्रो कर सकते हैं। ओके गाइस, तो मैं अब आपको बताती हूँ कि मैं कौन सा वाला ग्रिड मेकर यूज करती हूँ। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी अपने फोन में प्ले स्टोर ओपन कीजिए। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आप ग्रिड मेकर ऐप टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद इसे यहाँ पे आपके फोन में ग्रिड मेकर ऐप काफी सारे आपको शो करेगा, बट जो मैं पर्सनली यूज करती हूँ वो ये वाला है जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ। सो गाइस, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा अपने फोन में। सो नाउ इतना आधा आपने इसे डाउनलोड कर लिया है, हाफ प्रोसेस में अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी इसे कैसे यूज करते हैं। सो अभी बढ़ते हैं अभी आगे की वीडियो की तरफ। सो गाइस, यहाँ पे मैंने अपना आयरन स्केल ले लिया है और एक पेंसिल ले ली है जिससे हम ड्रॉ करेंगे। सो आपके पास कोई भी स्केल हो आप उसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, सभी सेम सेंटीमीटर होता है। शाबाश बेटा। सो अब मैं यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर से ड्रॉ करूँगी। जो छोटे छोटे बॉक्सेस आप ड्रॉ करेंगे उतना ही अच्छा आपका पोर्ट्रेट इजीली बन जाएगा। सो यहाँ पे मैं 2-2 सेंटीमीटर का ही मैक्सिमम यूज़ करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, जैसे कि आप सब देख सकते हैं मैंने अपनी शीट पे 3.5 सेंटीमीटर का बॉर्डर ड्रॉ कर रखा है। मुझे इतना थिक बॉर्डर चाहिए था, सो दैट्स व्हाई आप अपनी मर्जी से 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर जितना भी आप चाहे उतना बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं इस पर अपना कमीशन वर्क बनाऊंगी, सो दैट्स व्हाई मुझे अपनी बड़ी शीट चाहिए थी। और आप A4 या A3 जितनी भी बड़ी शीट पे बनाना चाहे उतने बड़े पे आप ग्रिड मेथड बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको A2 पे बताऊंगी। सिंपली आप A4 पे भी यूज़ कर सकते हैं, A3 पे भी कर सकते हैं और बहुत बड़ी कैनवासेस पे भी कर सकते हैं। उसे काम करके हम यहाँ पे उतना ही नंबर डाल देंगे जितनी हमारी शीट पे है। ऐसे ही आपको ब्रेथ का भी करना है, जितनी हमारी ब्रेथ आउटलाइन इस शीट पे है उसको काम करके हम यहाँ पे डाल देंगे। देन आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये बॉक्सेस हमारे बन गए हैं, जितने हमारी शीट पे बॉक्सेस थे उतने ही हमारे फोन में आ गए हैं। एंड नाउ आप यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर फ्लावर सा बना हुआ है कलरफुल, उस पे क्लिक करके आप आउटलाइन के कलर्स चेंज करेगा। तो मेरे को ये वाला परफेक्ट लग रहा है तो मैंने ये बना कर लिया है। अपनी मर्जी से इसे कलर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। सो नाउ यहाँ पे आप 3 छोटे छोटे बॉक्सेस देख रहे हैं, इसका मैं डिटेल अभी आपको पूरी तरीके से नहीं बताऊंगी क्योंकि हमें जो मेन करना है मैं सिर्फ उसके बारे में आपको बताऊंगी। सो यहाँ पे अभी हम डायगोनल पे क्लिक करेंगे। डायगोनल पे क्लिक करने के बाद ये डायगोनल लाइंस डाल देगा जिससे हमें और भी ईजी हो जाता है फेस का स्ट्रक्चर बनाने में। तो आप इसे यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। सो मैं मिनिमम इसे यूज़ करती हूँ तो मैं अभी भी इसे यूज़ करूँगी। अब आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सेव करने का दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी पिक्चर गैलरी में सेव हो जाएगी। सो गाइस, इतना ही था इसका प्रोसेस जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी था। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। एंड नाउ अब आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी।
ओके, तो जो हमने अपना ग्रेड सेव करा था अब हम इसे देख के एज इट इज अपनी ड्राइंग शीट पे बनाएंगे। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि हमारी पिक्चर में डायगोनल ड्रॉ हो रखा है, ऐसे ही हम अपनी ड्राइंग शीट पे भी डायगोनल ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पे मैंने डायगोनल आउटलाइंस ड्रॉ कर ली है, यहाँ पे मैं आई से बनाना स्टार्ट करूंगी। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि हमारा ग्रेड मेथड से पोर्ट्रेट कितना इजीली बन रहा है, एंड आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो गाइस, अगर आपका फर्स्ट टाइम में अच्छा नहीं बना तो कोई बात नहीं, आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें बहुत अच्छा बन जाएगा। एंड आई होप कि आप सभी को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आप सबके लिए यूँ ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाती रहूँ। That's it for the today's video. I hope कि आप सभी को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। और आप सभी मुझे बता सकते हैं कि मुझे नेक्स्ट वीडियो आप सबके लिए क्या बनानी चाहिए। और अगर आप सबके कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस हैं वो सब भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे श्याम, हरे कृष्णा।